हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद रिजवानास क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें एक तकिया का कवर सीना है। इसके लिए मैंने लिया एक पुरानी कुर्ती और इसी पुरानी कुर्ती से हमें तकिया का कवर सीना है। तो इसके लिए मैंने मेजरमेंट लिया है, लूजिंग से मैंने लिया है। तो इसका हुआ है 13 इंच चौड़ाई और लंबाई है इसकी 18.5 इंच लंबाई है। तो इसमें हमें 1-1 इंच ऐड करके मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए, और हमें ये कपड़ा कट करना है, हमें कुर्ती है। तो मैंने अभी ये इस तरह से कट कर रही हूँ। 13 इंच की जगह मैंने लिया है 14 इंच और 18.5 की जगह लिया है 19.5 इंच। तो इस तरह से हमें ये पूरा कट करके लेना है। ये मेरा कट करके हो गया अभी। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे और इसको हमें झालर लगा के सीना है। तो झालर के लिए हमें कपड़ा चाहिए, 3 इंच चौड़ाई लेना है हमें, और लंबाई में जितना हो सके उतना लंबा, इसमें जितना निकलेगा उतना निकाल लेंगे हम। तो इसको अच्छे से सीधा कट करके लेंगे बराबर से, और इसके 3 इंच पे मार्किंग करके 3-3 इंच के चौड़ाई, ये है 3 इंच, 3 इंच चौड़ाई से हमें इसके पट्टिया निकाल के लेना है। जितना निकल सकते उतने निकाल लेना है। अभी हमें ये सारे पट्टी जोड़ो के पूरा लंबा एक ही पट्टी बनाना है हमें पूरे जोड़े के। तभी इस तरह से मैंने पूरा जोड़ लिया है पट्टियाँ, ये पूरे ये इतनी लंबी पट्टी तैयार हो गई हमारी। अभी इसे ये एक साइड से सिला हुआ है और इसकी दूसरी बाजू ये भी सी के लेंगे हम। इसको इस तरह से सी के लेंगे और इसकी एक साइड में इस तरह से पूरा लास्ट तक सी के लेंगे पूरा। तो ऐसे हमें एक साइड सीना है और दोनों बाजू से भी सीना है। इस तरह से मैंने पूरा सी के लिया है। अभी इसको पूरा झालर लगा के रेडी करना है। तभी एक साइड से हमारा ये सिला हुआ था, या तो अगर नहीं रहेगा तो इसको एक साइड से सी के लेना है आपको। आपको अगर कुर्ती का ही सीना है तो एक साइड सिला हुआ मिलेगा ही आपको, अगर नहीं सिला है तो उसको एक साइड सी के लेना है। तो अभी हमें ये 3 साइड से झालर लगाना है, जिधर से सिला हुआ है उस साइड से स्टार्ट करेंगे ये इस तरह से। और ये जो 3 इंच की हमने पट्टी ली है उसको उल्टा रखेंगे और नीचे वाला फेब्रिक सीधा रखेंगे ये इस तरह से। हमें छोटे छोटे प्लेट लेते हुए
पूरा सीके लेना है इसको, ऐसी छोटे छोटे प्लेट लेना है। ये मेरे ऐसी पूरी झालर लगा के हो गई। अभी थोड़ी सी पट्टी बची हुई है तो इसको मैं कट करके लूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के, ताकि इसको मोड़ के इस तरह से ऐसा मोड़ के सी सकूँ। ऐसा करके इसको, अगर आपका बराबर होता है तो ठीक है, या तो थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो उसको, अगर ज़्यादा होता है तो कट कर लो, या अगर कम होता है तो उसको थोड़ा सा प्लेट दूर दूर ले कर बराबर करना है। तो ये मेरी थोड़ी पट्टी बची हुई है, तो ये हो गया सीके। ओके, अभी जो पट्टी बची हुई है उसके नाड़ी बनाएंगे, तो दो ही नाड़ी हो रही है उसमें, तो उसमें से और कुछ कपड़ा मैं लेना है हमें इसमें से, और इसमें से दो नाड़ी बनाऊंगी मैं, चार नाड़ी लगेंगे हमको, दो भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। मैं इसको चार नाड़ी लगा रही हूँ बांधने के लिए, तो बची हुई पट्टी में से दो नाड़ी हो रहे हैं मेरे, और इसमें से और थोड़ा कपड़ा निकाल के इससे दो नाड़ी बनाऊंगी मैं। ये इस तरह से नाड़ी बना के लेना है हमें, इस तरह से चार नाड़ी बना के हमें रेडी करना है। अब ये हो गए मेरी नाड़ी सिल के, और ये नाड़ी की लंबाई कम या ज़्यादा कितना भी रख सकते हो, हमें सिर्फ बांधने के लिए आना चाहिए। और ये बराबर से पूरे एक जैसे करेंगे, छोटा बड़ा जो छाट के लेंगे, 5-6 इंच वगैरह ले सकते हो आप, फिर भी आपके हिसाब से जितना लेना है ले सकते हो। तो अभी हमें इसे ये नाड़ी अटैच करना है, तो इसमें से भी बराबर से तीन हिस्से करके भी दो जगह लगा सकते हो, या तो फिर मेजरमेंट भी लेके, ये मैंने 3 इंच पे साइड से 3 इंच लिया है, 3 इंच पे मार्किंग किया है, और यहाँ पे दोनों साइड से 3-3 इंच पे नाड़ी लगा के लेना है हमेशा। इस तरह से हमें दोनों साइड भी नाड़ी लगा के लेना है, यहाँ से एक और यहाँ से एक लगा के, अंदर साइड से नाड़ी लगा के सिलाई करके लेंगे उसको। अभी उस तरह से दूसरी बाजू को भी बराबर उसके बराबर रखते हुए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बराबर से निशान करके इसे भी मैंने नाड़ी लगा के लिया है। अभी इसे हमें जोड़ना है, तो हमें नीचे वाला रखेंगे सीधा, और झालर पूरी अंदर से करके उसके ऊपर ऊपर वाला फैब्रिक उल्टा रखेंगे, ताकि अंदर बाजू से दोनों सीधा आ जाए। ध्यान रहे झालर अच्छे से अंदर होनी चाहिए पूरी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमें ये इस तरह से पूरी सिलाई करके लेना है। Thank you.
ये मेरा हो गया अभी सिलाई करके पूरा। तो अभी इसको हम करेंगे सीधा। ये हो गया हमारा तकिया का कवर रेडी। तो इसे मैं आपको तकिया में डाल के दिखाऊंगी। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसी हमें गांठ लगाना है सामने से। ये ऐसा मेरा तकिया का कवर बन के रेडी हो गया। तो आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।